कटनी कावसजीवार विवेकानंद चौक के पीछे कल रात में लीलाबाई का कच्चा मकान 2 घंटे की बारिश में भरभरा के गिर गया। उस कमरे में अनाज रखा हुआ था, गृहस्थी का सामान भी। मकान में दब गया। लीलाबाई कोरी मजदूरी का काम करती है। उसका एक और बहू है जो भोपाल अस्पताल में भर्ती है। वो तो गनीमत थी कि कोई घर में सो नहीं रहा था, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। बहरहाल कटनी कलेक्टर को पार्षद राजेश जाटव द्वारा सूचना देने के बाद भी कोई अधिकारी जांच करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी अधिकारी जन प्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं। संवाददाता कटनी हीरा विश्वकर्मा। ये थोड़ा सा पानी की मात्रा थोड़ा ज़्यादा हुई है और उसके बाद एक मकान गिर गया है। और क्या नुकसान? ये इस बार गल्ला, आटा चावल, दाल ये पड़ा हुआ रहा, सब दब गया। और भी सामान बहुत सारा है घरेलू, ये सारा सामान खराब हो गया और खुला पड़ा हुआ है। और शिकायत की भी तो उन्होंने ये बोला कि भाई आप लोग आवेदन दे दो, जाँच हो जाएगी। ये जांच किस टाइप की करेंगे? तत्काल वाला देखें व्यवस्था। अब ये अभी तो पानी बड़ी मुश्किल में गिरना चालू हुआ है, और अगर पानी अभी चालू हुआ तो ये तो अभी शुरुआत है, तो ऐसे कैसे जांच करेगी फिर अधिकारी? पानी में गिर गया है, बहू बाहर गई है, अस्पताल में भर्ती हैं भोपाल में, और एक सब भर भरा के एकदम से गिर गया, सब देखे चिल्लाए, मैं खुद ही बच गए। तो क्या क्या दब गया? सब में गल्ला रहा, दाल चावल कंसरा सब दबे हैं, डरे हैं, अभी तक नहीं उठाई कुछ। कोई अधिकारी आया है? ये भैया आए रहे हैं, पार्षद देख गए हैं, जन सुनवाई में भी गए रहे कल टेड, तो कुछ नहीं, अभी कोई नहीं आया, सब ऐसे ही डरा है, सब पानी में भींज रहा। क्या नाम है आपका? लीला भाई। अब भर जाते पुर गया है वहाँ नाली नर्दा, तो सब नुकसान हो रहा है। और